वही भदोही रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प कराया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 508 स्टेशन के नवनिर्माण कार्य का आज वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस आयोजन में सांसद रमेश चंद बिंद समेत जनप्रतिनिधि और रेलवे के तमाम अधिकारी शामिल हुए। स्टेशन नहीं बल्कि भारत देश के 506 स्टेशन पे बहुत भव्य कार्यक्रम देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ साथ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री राज्यपाल से लेके सभी लोगों ने आज अपने अपने स्टेट में ये कार्यक्रम के तहत आज मैं अपने लोकसभा भदोही में जो ये कार्यक्रम रहा है इस स्टेशन का भव्य निर्माण करने के लिए 20 करोड़ के ऊपर धन दिया गया है जो कि एक साल के अंदर अच्छा से अच्छा ये स्टेशन बनने का काम होगा। ये तो बहुत ऐतिहासिक आज का क्षण है कि भदोही जनपद एक हमारे प्रदेश में एक छोटा सा जिला है और यह तो विश्व में क्या वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में कालीन के नाम से भदोही को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था लेकिन यहाँ का कायाकल्प भदोही का स्टेशन का अभी तक पूर्ण रूप से हो नहीं पाया था लेकिन आज जो ऐतिहासिक क्षण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना पैसा धन आवंटित हुआ है इससे अब आने जाने में सुविधा लोगों को मिलेगी। आते थे दूर दूर से यात्री कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं हुआ करता था उनको गर्मियों के समय पर लोग धूप में बैठते थे पानी पीने की सुविधा नहीं होती थी आज वेटिंग रूम अच्छा हो जाएगा शौचालय टॉयलेट अच्छी व्यवस्था हो जाएगी आने जाने के लिए वाहन का जो दिक्कत होता था लोग पार्किंग की भी व्यवस्था के लिए लोग सड़कों पर जाम लग जाती थी खड़ा होने में दिक्कत होता था आज वो सारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है।